हर वक्त जब भी सुनो तो वो लोग कंपेयर करते हैं मुझे विराट कोहली से. मैं अपने ये समझता हूँ कि वो बहुत बड़ा प्लेयर है, मैं उसके आसपास भी नहीं लगता. अभी मेरा स्टार्ट है, वो बहुत अचीव किया है, मुझे वो चीज़ करना है अभी, तो वैसी परफॉर्मेंस करूँगा तो फिर आप कहते हैं, लेकिन अभी मेरा उससे कंपेरिजन. Wabi. Oh, don't scare me like that, son. Don't scare me like that. This is my dream coming true. That's the my dream coming true. How are you? Thank you very much. Yes, that's right. There's a room next to the lady. There is another room for the lady. Ah, look at you, Joe. Let's come. Come. और ये फूल पेश किए जा रहे हैं एबी डिविलियर को, एबी डिविलियर के मिसेस को. पहला प्रैक्टिस सेशन खत्म हो गया, अब फूड ब्रेक. खाना बड़ा ज़रूरी है यार, मैं तो केले शेले खा के जो है ना एनर्जी अप रख रहा हूँ. एथलीट वाली ज़िंदगी मुझे भी याद आ रही है अपनी थोड़ी थोड़ी, हम भी जवान होते थे किस ज़माने में. साढ़े नाल पंगे होने नहीं चंगे. आप लोगों ने बस ये दुआ करनी है कि हमारा पाकिस्तानी लेजेंड जो है, हमारे दोस्त शाहिद खान रफीदी जो मलाला है, आपने दुआ करना है कि वो फिट रहे और वो कम से कम एक मैच में 10 बॉल तो खेले. अगर 10 बॉल खेल गए आप समझे 50 पूरी है और आप समझे मैच हम जीत गए. जी ये मैं हूँ शोएब अख्तर. आजकल के जो बच्चे हैं ना, उनको लगता है उन्हें बहुत कुछ आता है और उनको ये भी लगता है कि वो मेरी तेजी को चैलेंज भी कर सकते हैं. तो बच्चों मैं वापस आ रहा हूँ और ये मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तेजी होती क्या है. मैं भी अब लीग खेलूंगा और तुम्हें बता दूंगा कि तेजी क्या चीज है. तो ये है मेरी अनाउंसमेंट, अब तुम बच के रहना. Nothing to do with cricket, but I'm not sure that many of you are aware of this, but tonight in Melbourne, our coach was inducted into the Australian Cricket Hall of Fame. This is only for the best of the best, and really, honestly, Dino should have been there to accept the award, but he wanted to be here for preparation for Islamabad United. यहाँ से स्टॉप नहीं करना, यहाँ से ग्रेजुअली थोड़ी थोड़ी मूवमेंट, वही है लाइफ में.
अस्सलामुअलैकुम, हम लोग वेस्ट इंडीज़ से पहली दफ़ा सीरीज़ जीते हैं और हम लोग ये सीरीज़ शबाना जी को डेडिकेट करना चाहेंगे। शबाना जी का हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रोल था और हमें उन्होंने काफ़ी चीज़ों में हेल्प आउट की थी। सबसे पहले उन्होंने हमें जो मैसेज दिया था वो अपने इंटेंशन के ऊपर काम करने का दिया था कि जैसी नीयत होगी हमारे एक्शंस की सारा दारोमदार नीयत पर है। और हमारी कोशिश ये थी कि हम लोग हमेशा इस टीम के लिए अपनी नीयत को साफ रखें और पाकिस्तान के लिए अपनी नीयत को साफ रखें, रिज़ल्ट की फ़िक्र ना करें, प्रोसेस के ऊपर ध्यान दें। और इन चीज़ों को फॉलो करते हुए हमने ये पहली दफ़ा इतना बड़ा अचीवमेंट किया और हमारी कोशिश होगी हम आने वाली क्रिकेटिंग लाइफ में और पर्सनल लाइफ में इसको फॉलो करते रहें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़हीमा शरफ। यूट्यूब पे ई क्रिकेट चैनल जो है, आप सब इसे सब्सक्राइब करें और मेरी बेस्ट विशेज इनके साथ हैं। अल्लाह पाक इनको ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की दे।